All right, boys. Oh gosh. I set the context for the video. Welcome back to another brand new video. इस वीडियो में हम सीवी जो रेज्यूमे है उसको रिव्यू करेंगे. रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है ना वो सीवी होती है. आपको जॉब मिलना वो अलग बात है, पर जॉब के लिए शॉर्टलिस्ट होना, रिक्रूटर्स को सीवी पहुंचाना, अपनी सीवी को शॉर्टलिस्ट करना, उसको ATS फ्रेंडली बनाना, ये फर्स्ट चैलेंज है. ये फुलफिल करेंगे तब आपको ड्रास्टिकली रिजल्ट्स मिलेंगे और तब तभी आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट होगी. अगर तो आपकी सीवी ATS फ्रेंडली नहीं है, उसमें अच्छे से स्किल्स आपने ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं डाले हैं, किस तरह शॉर्टलिस्ट करेंगे? ऑब्वियसली रिजेक्शन ही मिलेंगे. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे रेज्यूमे के हवाले से, किस तरह हम उसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, मतलब हम उसको किस तरह ATS फ्रेंडली बना सकते हैं कि वो शॉर्टलिस्ट हो जाए खुद ब खुद. ठीक हो गया भाई? तो ये जो टेम्पलेट है मेरे पास है, इसको मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह. सही है, और वहाँ से डाउनलोड कर लेना फिर अपने लिए. तो इफ जस्ट वन पेज सी भी है, आई डोंट नो क्यों सेकंड पेज पे गई हुई है. लीगल मैंने नो. ओके, आई जस्ट अपलोड दी. आई अपलोड दी परफेक्ट वर्जन ऑफ दिस. ओके, विच इज नॉट पुअर लैब. ऑलराइट, ओके. तो वीडियो को शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वीडियोस देख रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे, तो भाई आपको कुछ नहीं जाता लाइक करने से, पर हाँ मुझे मोटिवेशन मिलती है. सही है, तो ये भी ऑर्गेनाइज नहीं किया सी, पता नहीं मेरे पास दूसरे लैपटॉप में जो पर वो ऑर्गेनाइज थी, आई डोंट नो. अभी मैंने रिसेंटली इस पे वर्ड वर्ड इंस्टॉल किया हुआ है, तो आई डोंट नो वाई इट्स ओवरलैपिंग. अच्छा सही है, तो मैं ऑर्गेनाइज सेंड कर दूँगा, कोई मसला नहीं है. और इसके अलावा हाँ, एक और बात बताना चाह रहा था मैं. चलो पहले इस पे बात करते हैं, उसके बाद फिर मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो उस पे आ जाऊँगा. ऑलराइट, तो सबसे पहले जो है ना, मैंने नेम मेंशन किया हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, लाजमी होता है CV में. इसके अलावा मैंने लिंक्डइन लिंक मेंशन किया हुआ है. इसके अलावा जो पर्सनल नंबर है मेरा, जो मेरी पोर्टफोलियो बनाई हुई है, ईमेल है, गिटहब है, और मैं रियाद में अभी रहता हूँ तो सऊदी अरेबिया में, तो वही मैंने मेंशन किया हुआ है. सही हो गया. इसके अलावा स्किल्स पे आ जाते हैं. स्किल्स में मैंने वो सारे के सारे स्किल्स मेंशन किए हुए हैं जो जिसमें मैंने काम किया हुआ है. सही हो गया, तो ये सारे के सारे स्किल्स आपने डालने हैं यहाँ पे. और मेक श्योर यू शुड नॉट इंक्लूड द स्किल्स विच यू डोंट हैव हैंड्स ऑन. ओके, तो जो स्किल्स पे आपको कमांड नहीं हो उसको नहीं डालना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो वो इन ही स्किल्स के अकॉर्डिंगली आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछेंगे. ठीक हो गया, तो वही बात है, आपने स्किल्स यहीं पे डालने हैं. जो भी स्किल्स आपको आती है, Web3 हो गया, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट हो गया, DevOps हो गया, कुछ भी हो गया. ठीक है, ये हाँ यहाँ पे मैं भूल गया, ये मैंने एक स्लोगन ऐड किया हुआ है. ऑलराइट, तो एक्सपीरियंस पे आते हैं. जो रिसेंट कंपनी थी जिसके साथ मैंने काम किया होता है, एक रिमोट बेस्ड कंपनी थी जर्मनी की, तो वो मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे जो काम हो रहा था वहाँ पे. हाँ, अब यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा एक्सपीरियंस में स्पेसिफिकली. सही हो गया, यहाँ पे आपने वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं डालनी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने फ्रंट एंड पे काम किया हुआ, मैंने बैक एंड पे काम किया हुआ, ये क्या हुआ, वो क्या, ये फजूल चीज़ें वो स्टैंड आउट नहीं करती. आपने एक पर्टिकुलर बात करनी है, क्योंकि आपके होते हुए कंपनी को क्या फ़ायदा हो गया था. सही हो गया, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि लीड द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ मल्टी इंटरप्राइज लेवल
माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स एक्सपीरियंस ग्रुप ड्राइविंग 1 पॉइंट समथिंग। हाँ, जो जो फिगर्स है ना, आपने उसको हाईलाइट करने होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत हेल्प करते हैं, बहुत हेल्प करता है आपको CV शॉर्टलिस्ट होने में। तो जो चीज़ें, जो फिगर्स हो गए, जो टेक्सटेक्स हो गए, जिन चीज़ों की वजह से आपने कंपनी की रिपूटेशन को हाई किया हुआ है, परफॉर्मेंस को हाई किया हुआ है, तो वो आपने बोल्ड करना है, उसको हाईलाइट करना है। ठीक हो गया। एग्जैक्टली सेम गोज फॉर दिस, मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, EC2 रिक्वायरमेंट, वर्क वर्क बैलेंसिंग, वही की चीज़ें हैं। सही है, ठीक हो गया। इस तरह यहाँ पे भी आरटेक पे, ये UK बेस्ड कंपनी थी, यहाँ पे काम क्यों हुआ था मैंने, हाँ यहाँ पे 30 से 35% इंक्रीज़ हो गई थी ट्रैफिक, और इतना रेवेन्यू एनुअली जनरेट कर रहा था। तो यही चीज़ें, यही मेन चीज़ें, यही आपको हेल्प करेगी CV शॉर्टलिस्ट होने में। ये नहीं कि मैंने जिस कंपनी में ये काम किया हुआ था, वो काम किया हुआ था, ये पोजीशन थी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं, वो चीज़ें हेल्प नहीं करती, उसको भूल जाओ। इस तरह सेम गोज़ फॉर रहे, ये देखिए मैक्सिमम अप टाइम एंड अचीविंग 95% कस्टमर से, ये कंप्लेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 40 कस्टमर्स कंप्लेंट। देखें इसके अलावा ऑटोमेटेड ये ब्ला ब्ला ब्ला। ऑलराइट, यहाँ पे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस, या यहाँ पे सुपरवाइज 30 प्रोजेक्ट, सब स्केल 1 मिलियन डेली यूजर्स, ब्ला ब्ला। ऑब्वियस सी बात है, वही फिगर्स आ जाते हैं, ये वो फुल स्टैक एप्लीकेशन 15+, ये वो 70% यूज केस, ब्ला ब्ला ब्ला। तो यही की चीज़ें, यही चीज़ें आपको हेल्प करनी है जॉब को अचीव करने में, जॉब अवेल आप इन्हीं चीज़ों से कर सकते हैं बच्चे भाई। ओके, अच्छा, इसके अलावा गिटहब ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। ये मैंने गिटहब ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन किए हुए थे, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, यही की चीज़ें, यही बस अकॉर्डिंग टू दैट, जिस तरह मैंने डाले हुए हैं इस तरह आपने डालने होंगे। अब वैसी बात है, ये ग्लोबल IT सॉल्यूशंस, वो भी इस तरह ही सेम एग्जैक्टली, ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आ गया। इसके अलावा एजुकेशन पे आपने सब कुछ नई चीज़ें नहीं डालनी, जब बस लास्ट एजुकेशन बेचलर या मास्टर वही डालनी है। सही, प्रोजेक्ट्स आ गए, प्रोजेक्ट सेक्शन, जो प्रोजेक्ट आपने बनाए हैं इंटीग्रेशन में, वो सबसे जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको आपने शॉर्टलिस्ट करना होता है। ठीक हो गया। इसके अलावा अदर मेंटरशिप, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा अदर्स में जो सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास, वो अचीवमेंट्स, ब्ला ब्ला ब्ला, वही चीज़ें। ठीक हो गया। तो यही टेम्पलेट है, ये रिज्यूमे, ये मेरे पास दो फॉर्मेट्स में, एक डार्क थीम में और एक लाइट थीम में, तो मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं वर्ड फॉर्मेट में, और आप उसको अपने स्किल्स के हिसाब से, अपने डिटेल्स इंफॉर्मेशन के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा था, तो उस पर बात करते हैं। ऑलराइट, तो मैं 1000 सब्सक्राइबर्स पे वो फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स लॉन्च करने जा रहा था, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, और जैसे ही 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद मैं फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स लॉन्च करूँगा। उसमें सब कुछ बिल्कुल फ्री में और इंडस्ट्री लेवल का सिखाएंगे, सब कुछ बताऊँगा A to Z, किस तरह उसमें हम लॉजिक बिल्डिंग पे बात करेंगे, और इसके अलावा क्या क्या प्रोजेक्ट्स आपको बनाने, एक जॉब को हासिल करने के लिए, सब कुछ चीज़ें लॉजिक बिल्डिंग पे बात करेंगे। A to Z, फ्रॉम एंड टू एंड, फ्रॉम डेवलपमेंट टू डिप्लॉयमेंट, डेवऑप्स, क्लाउड, फुल स्टैक, एवरीथिंग। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट दैट 1K सब्सक्राइबर, सो दैट वी कैन स्टार्ट द जर्नी। पीस आउट।